हाल ही में खबर आई, नोएडा में एक 8वीं कक्षा के बच्चे को हार्ट अटैक आया और बच्चे की मौत हो गई। महज 15 साल का बच्चा स्कूल में खेलते हुए मौत का शिकार हो जाता है और उसे हार्ट अटैक आता है। क्या ये किसी खौफनाक खतरे की सुगबुगाहट है जो हमें दिखाई दे रही है इस तरह के वाक्यों में? क्या कोविड के बाद ज़िंदगी बदल गई है? और उस ज़िंदगी में अब तक हम वयस्कों के स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों का दिल भी खतरे में है, जिस पर बात की जानी ज़रूरी है? क्या है दरअसल मसला? हमने बात की फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन और वरिष्ठ पीडियाट्रिक डॉक्टर डीके गुप्ता से। हमने जाना कि क्या कोविड के बाद बच्चों के दिल पर भी इसका असर पड़ा है। ये और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा असर बच्चों पर नहीं दिखा था। ज़्यादातर केसेस असिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उन पर बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स थे वो नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन क्या कोई अंडरलाइन समस्या ऐसी है जो बच्चों का दिल झेल रहा है? ज़िंदगी का तनाव भी क्या इसकी एक वजह है जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं? इन तमाम मसलों पर क्या कहना है डॉक्टर डीके गुप्ता का, आइए देखते हैं। कोविड के उपरांत ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें युवा लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और ये सच में ही एक सीरियस बात है। ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे जो किशोरावस्था के बच्चे उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी ये चौंकाने वाली बात है कि 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है तो इसके क्या कारण है। नॉर्मली जो बच्चों में हार्ट अटैक्स होते हैं वो नॉर्मली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है उसकी वजह से नहीं होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हार्ट में कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मल कॉरोनरी आर्टरी है या कोई ऐसी टैकीरिथमियाज हो गए हैं, मतलब उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, उसकी वजह से हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये चिंता वाली बात नहीं, बच्चों में नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं होते हैं और कोविड की वजह से तो बिल्कुल नहीं होते, इवन कोविड की वैक्सीन की वजह से भी नहीं होते। सिर्फ जो होते हैं उन बच्चों को हार्ट अटैक हो सकते हैं जिनको कोई एबनॉर्मल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है या जिनको टैकीरिथमियाज हो गए, जो मतलब उनका हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, 200, 250, 300 पहुँच गया है, उसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। डेफिनेटली बच्चों का हार्ट चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों को सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब वो दूध पीते पीते थक जा रहा है, पसीना आ रहा है, सांस फूलती है बच्चे के चलने में, या बच्चों को लग रहा है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, या बच्चे को घबराहट हो रही है, बच्चा थक जाता है थोड़ा काम करने में, तो ऐसे बच्चों को आप जरूर दिखाएं डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर जरूरत पड़ती है डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट करा सकता है, जैसे इकोकार्डियोग्राफी।